हेलो दोस्तों, आपके फेवरेट टेलीफ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो साथ में उसी शख्स से धोखा खाने का डर हमेशा बना रहता है। हालांकि प्यार पर जोर चलना किसी की बस की बात नहीं, लेकिन इस धोखे से बाहर निकलना उस इंसान के हाथ में जरूर होता है। ऐसे ही एक शख्स है जो टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार प्यार किया, लेकिन अफसोस उन्हें हर बार अपने प्यार में रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं मिला। वो नाम है रश्मि देसाई का। रश्मि की लव लाइफ काफी उतार चढ़ाव से गुजरी है। रश्मि देसाई एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने लव रिलेशनशिप में धोखा खा चुकी हैं। आज हम आपको रश्मि की टूटे दिल और टूटे रिश्ते के बारे में बताएंगे, जिन्हें रश्मि ने अपनी प्यारी सी हंसी के पीछे छुपा के रखा है। लेकिन इससे पहले कि हम ये सफर शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट और है, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आपको रश्मि के टूटे हुए रिश्ते की सच्चाई पता चल सके। रश्मि की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रही। रश्मि ने कम उम्र में सीरियल उतरन में अपने को एक्टर नंदीश संधू से शादी कर ली। दोनों की पहली मुलाकात उतरन के सेट पर ही हुई थी। इस शो में रश्मि तपस्या का किरदार निभा रही थी। इन दोनों एक्टर के बीच में शुरुआती दौर में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मगर धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों के बीच डिफरेंसेस के खुलकर सामने आने की खबरें आने लगी, जिसके बाद साल 2013 में दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रश्मि देसाई ने नंदीश संधु के ऊपर इल्जाम लगाया कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नंदीश ने भी अपने रिश्ते के टूटने की सारी जिम्मेदारी रश्मि के सर पे डाल दी। जहां एक तरफ नंदीश ने दूसरी शादी कर ली, तो वहीं रश्मि भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुकी थी। उनकी जिंदगी में एक्टर लक्ष्य लालवानी की एंट्री हुई। हालांकि दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर अफवाहों का बाजार हमेशा से गर्म रहा कि रश्मि और लक्ष्य रिश्ते में हैं। इन दोनों की मुलाकात भी शो हमारी अधूरी कहानी के सेट पे हुई। लेकिन इससे पहले कि रश्मि को ये रिश्ता कोई नाम दे पाता, इस रिश्ते को रश्मि की माँ की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि लक्ष्य रश्मि से 10 साल छोटे थे और यही बात उनकी माँ को पसंद नहीं आई। कहते हैं कि एक पार्टी में रश्मि और लक्ष्य के बीच किसी बात को लेकर काफी कहासुनी हुई, और इस तरह ये दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि इन बातों को रश्मि ने महज अफवाह बताया। इसके बाद रश्मि की जिंदगी में उस शख्स की एंट्री हुई, जिसके साथ रश्मि के रिश्ते ने बिग बॉस के घर में खूब सुर्खियां बटोरी, और वो शख्स थे अरहान खान। अरहान खान और रश्मि देसाई एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस भी थे। हालांकि इस रिश्ते की वजह से रश्मि और उनकी माँ के बीच दूरियां जरूर आ गई थी, क्योंकि रश्मि की माँ को अरहान पर भरोसा नहीं था, मगर रश्मि अरहान को अपना सब कुछ मान बैठी थी। रश्मि अरहान पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर की चाबी भी अरहान को सौंप दी थी। इसी बीच रश्मि बिग बॉस के सीजन 13 में जाती है बतौर कंटेस्टेंट के रूप में, और वहाँ उनके पीछे पीछे उनके बॉयफ्रेंड अरहान भी आ जाते हैं। दोनों की अच्छी केमिस्ट्री दिखती है, लेकिन तभी रश्मि के सामने शो के होस्ट सलमान खान अरहान का एक कड़वा सच उनके सामने जाहिर करते हैं, जिसे जानने के बाद रश्मि को एक सदमा लगता है। I have known you for the longest time, Rashmi. That is why I am doing this right now. वो उसकी बात करो जो लाटा साहब ने आपको बताई थी। He's not told you this. The marriage. Yeah. Child. Child. सलमान ने रश्मि को बताया कि अरहान उन्हें धोखा दे रहा है। अरहान पहले से ही शादीशुदा है और वो एक बच्चे का पिता भी है। सच्चाई सामने आते ही रश्मि ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अरहान खान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रश्मि को ये सब बात पता थी, लेकिन रश्मि की माँ ने तो अरहान ने उनसे बहुत कुछ छुपा रखा था। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये कोई नहीं जानता सिवाय इन दोनों के। इसी बीच रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला के रिलेशनशिप की भी खबर आने लगती है। हालांकि अरहान खान से पहले रश्मि का नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी जुड़ा था। ये दोनों स्टार दिल से दिल तक में काम कर रहे थे। उस वक्त खबरें थी कि ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि इनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है,
हालांकि जल्द ही ये भी खबर आने लग गई कि दोनों के बीच अब लड़ाई झगड़े होते हैं और इनके लड़ाई झगड़ों ने टॉप लाइट की सुर्खियां बटोरी। यहां तक कि बिग बॉस 13 के घर में भी रश्मि और स्वर्गीय सिद्धार्थ शुक्ला के बीच काफी लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। हालांकि इस रिश्ते को ना तो कभी रश्मि ने और ना ही कभी सिद्धार्थ ने खुलकर एक्सेप्ट किया। और अब एक बार फिर से रश्मि अपने नए रिश्तों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इंडस्ट्री में एक बार फिर से रश्मि को लेकर ये र्यूमर उड़ रहे हैं कि रश्मि उमर रियाज, जो कि असीम रियाज के भाई हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इस नए रिश्ते के बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर वाकई उमर और रश्मि के बीच में प्यार जैसी कोई चीज पनप रही है तो टेलीफ्लिक्स की यही दुआ है कि रश्मि को जल्द से जल्द उनका असली प्यार मिल जाए। क्योंकि जहां प्रोफेशनल लाइफ में रश्मि काफी सक्सेसफुल है, तो वहीं लव लाइफ में उन्हें अब तक धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको रश्मि देसाई की टूटे दिल की कहानी और लव लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए टेलीफ्लिक्स।